बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, अस्सलाम अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नसू और सलीम की गुफ्तगू। नसू जो ख़ानदान के सरबराह हैं और सलीम इनका छोटा बेटा है। नसू और सलीम की गुफ्तगू से पहले हम बात करेंगे मुसन्नफ़ की। मुसन्नफ़ के तारुफ में हम देखते हैं कि मौलवी नज़ीर अहमद, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद, जो कि इस सबक के मुसन्नफ़ हैं, मौलवी नज़ीर अहमद डिप्टी इंस्पेक्टर मदारस भी रहे हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद को अदबी खिदमात की वजह से शम्सुल उलमा का ख़िताब भी मिला और डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं वो पहले मुमताज़ नावल नगार भी हैं। फिर हम बात करते हैं तसानीफ़ की। वैसे तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने बहुत सी तसानीफ़ लिखी हैं, लेकिन यहाँ दो का ज़िक्र करेंगे, जिसमें पहली है मरातुल अरूस। मरात कहते हैं आईने को, अरूस कहते हैं दुल्हन को, यानी दुल्हन का आईना। ये एक नावल है जो डिप्टी नज़ीर अहमद ने ख़ास तौर पर अपनी बेटी के जहेज के लिए लिखा था। दूसरा तौबतुल नसू, नसू की तौबा। ये हमारा टॉपिक है जिसमें मियाँ जो नसू हैं ख़ानदान के सरबराह हैं और उनको अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस होता है और उन्होंने अपने ख़ानदान की इस्लाह का इरादा किया है। जी अज़ीज़ तुलबा, पहले बात करेंगे हम ख़लासे की। जैसा कि आपको पता है, ख़लासा किसी भी सबक के अहम नुकात को कहा जाता है, यानी ख़ास बातों को ख़लासा कहा जाता है। नसू और सलीम की गुफ्तगू, यानी वालद और बेटे के दरमियान बातचीत हुई है, जिसको मुसन्नफ़ किस अंदाज में बयान करते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद हमें बताते हैं कि दिल्ली में एक वबा फैल गई और वो वबा कौन सी थी? हैज़े की। दिल्ली में हैज़े की वबा फैल गई और मियाँ नसू जो हैं वो भी इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और बीमारी की वजह से इनको ख्याल आता है। इनको क्या ख्याल आता है? इनको ये ख्याल आता है कि शायद अब इनकी मौत जो है वो करीब है। डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है, डॉक्टर साहब इनका मायना करते हैं और उनको ख्वाब आवर दुआ दे देते हैं ताकि वो सुकून से सो सकें और उनकी तबीयत जो है वो बेहतर हो सके। क्या होता है, मियाँ नसू जो हैं वो सो जाते हैं और वो बहुत से मनाजर देखते हैं। कौन से मनाजर? खौफनाक मनाजर। और वो घबरा कर बेदार हो जाते हैं और जो ही वो घबरा कर उठते हैं तो उनको अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर बड़ा अफसोस होता है और फिर उन्होंने अपने ख़ानदान की इस्लाह का इरादा किया है और इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी बीवी फहमीदा को बुलाया और अपनी बीवी से पूछते हैं कि बेटा सलीम कहाँ पे है। बीवी उनको बताती है कि बेटा भी सो रहा है। मियाँ नसू बीवी फहमीदा को कहते हैं कि आप बेटे सलीम को मेरे पास भेजें। वालदा जो है जाके सलीम को कहती है कि आपके बाजान आपको बुला रहे हैं। ये बात सुनने पर सलीम बहुत परेशान होता है और वालदा से पूछता है, क्यों मुझे अब्बा जान क्यों बुला रहे हैं? और यहाँ पर वालदा जो है वो ला इल्मी का इजहार करती है। तो सलीम अपनी वालदा से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलें। माँ साथ जाने से इनकार करती है, कहती है कि मेरी गोद में बेटी सो रही है। सलीम डरते डरते अपने वालिद के पास गया, लेकिन वालिद ने बहुत प्यार के साथ
बहुत प्यार के साथ सलीम से पूछते हैं, आप मदरसे क्यों नहीं गए? तो वालिद के पूछने पर सलीम बताते हैं कि अभी घंटे भर की देर है। मज़ीद पूछने पर सलीम अपने वालिद साहब को बताते हैं कि वो स्कूल कभी कभी अपने भाई के साथ जाते हैं और कभी अकेले चले जाते हैं। तो वालिद साहब पूछते हैं कि आप अकेले क्यों जाते हैं? तो सलीम या नसू को बताते हैं कि भाई इम्तहान की तैयारी के लिए सुबह सुबह अपने हम जमात के पास चला जाता है और वहाँ पर जाके वो इम्तहान की तैयारी करते हैं। तो मियाँ नसू सलीम से कहते हैं, क्यों घर में इम्तहान की तैयारी नहीं हो सकती? तो सलीम वाला साहब को बताते हैं कि भाई के पास हर वक्त गंजनफा और शतरंज होता है और मंजिले भाई जो हैं वो उनके लिए दुश्वारी पेश करते हैं और उनको पढ़ाई में मुश्किल पेश आती है। अज़ीज़ुल्बा, गंजनफा एक खेल है जो ज़्यादातर गांव में खेला जाता है, जिसको ताश कहते हैं, और शतरंज ये बादशाहों का खेल है, और मंजिले बाई से मुराद है दरमियान वाला बाई। मियाँ सलीम से पूछते हैं कि तुम शतरंज नहीं खेलते? तो मियाँ नसू के पूछने पर सलीम बताते हैं कि उनको नफरत हो गई है किस चीज़ से, खेलों से। तो मियाँ नसू पूछते हैं कि आपको नफरत क्यों हुई है, इसकी वजह क्या है? अब सलीम अपने बाप मियाँ नसू को बताएंगे कि उनको खेलों से नफरत क्यों हुई है। सलीम बताते हैं कि हमारे मोहल्ले में चार भाई हैं और उन भाई जो हैं उनमें खसूसियात कौन कौन सी हैं। वो बताता है कि वो गोरे गोरे हैं, नेक सिफ्त हैं, गली में गुजरते हैं तो सलाम करते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी शराफत से वो बसर कर रहे हैं, वो आपस में छोटे बड़े हैं, आपस में इतफाक़ से रहते हैं। और सलीम अपने वालिद को बताते हैं कि उन लड़कों में एक बहुत अच्छी बात है, वो क्या है कि वो किसी को गालियाँ नहीं देते और झूठ नहीं बोलते। हाँ, सलीम अपने उन चार मोहल्लेदारों के बारे में बताते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं और शरारती लड़कों के साथ उनकी कोई दोस्ती नहीं है, मदरसे में सब के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, और जो ही छुट्टी की घंटी बजती है तो ये चार लड़के क्या करते हैं, सब लड़के खेल में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये जो चार लड़के हैं ये बिल्कुल नहीं खेलते। ये क्या करते हैं, ये करीब की मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। और इन चार भाइयों में जो मंजिला, जो दरमियान वाला भाई है, वो मेरा हमजुमात है। तो मियाँ नसू सलीम से पूछते हैं कि ये जो दरमियान वाला है, इनका भाई है, वो तुम्हारा दोस्त कैसे बना है? तो सलीम वाला साहब को बताते हैं कि एक दिन मुझे सबक याद नहीं था तो उस्ताद साहब ने मुझे हदायत की कि ये लड़के भी आपके मोहल्ले के हैं तो आप इनके पास पढ़ने के लिए चले जाया करो। तो मैं उस्ताद साहब की हदायत के मुताबिक उसके पास चला जाता हूँ और जो मुझे पढ़ाई में मसला होता है वो मैं उससे सॉल्व करवा लेता हूँ। मियाँ नसू को सलीम मज़ीद बताते हैं कि एक दिन जब मैं अपने हम जमात के घर गया तो घर में जो उनकी बड़ी बी थी, जो उनकी नानी जान थी, वो जाए नमाज पर बैठी हुई थी और क्या कर रही थी, वो नमाज पढ़ रही थी। सलीम बताते हैं कि मैं उनको सलाम किए बगैर वहाँ से गुज़र गया। नमाज से फारग होने के बाद उनकी जो नानी हैं, जो बड़ी भी हैं, उन्होंने मुझे नसीहत की और कहने लगी, बेटा अच्छे और भले मानस लोगों का ये दस्तूर है, ये असूल है कि वो आपसे बड़ों को सलाम कहते हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई और मुझे मिठाई भी खिलाई। और सलीम अपने वाले साहब को बताते हैं कि उनकी नसीहत ने मेरे दिल पर बहुत असर किया और मुझे खेलों से नफरत हो गई।
तो अज़ीज़ुल बाग़ इस सबक से जो हमने अभी भी पढ़ा है, इसमें मुसन्नफ़ हमें बताना चाहते हैं कि बच्चों की तरबियत करना वालदैन का अव्वलीन फरीज़ा है, और बच्चों की तरबियत करने का सही जो वक़्त है वो बच्चों का बचपन है। अगर बचपन में बच्चों की तरबियत ना की जाए तो बाद में उनकी तरबियत करना कदरे मुश्किल होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो हमारा टॉपिक था नसू और सलीम की गुफ्तगू, इसको पूरे टॉपिक को आपने बहुत अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासर। जी अज़ीज़ुल बाग़, ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो कम्प्लीट हो गया है। कल के लिए आपने नसू और सलीम की गुफ्तगू इसका खुलासा याद करके आना है। इस पूरे सबक को आपने 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है, और इसको फिर आपने अपनी एक पेज पे रफ़ कॉपी पे लिख के भी देखना है। ये सारी चीज़ें आपको बराबर हो जाएंगी, और उसके बाद आप जब इसको मज़ीद एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो नसू और सलीम की गुफ्तगू का खुलासा जो आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जी बेटा, अल्लाह आपका हामी नासर। बेस्ट ऑफ लक।